पटोरी नगर परिषद कार्यालय पर झंडा तोलन के दौरान विफर पड़ी नगर परिषद अध्यक्षा, अनुमंडल प्रशासन पर लगाई कई गंभीर आरोप। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को समस्तीपुर जिले के पटोरी नगर परिषद कार्यालय पर गणतंत्र दिवस पर झंडा तोलन के दौरान नगर परिषद कार्यालय की व्यवस्था को देख नगर परिषद अध्यक्षा प्रियंका सुमन खासे नाराज दिखी। इस दौरान अध्यक्षा ने अनुमंडल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाई। अध्यक्षा द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर एसडीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु एसडीओ के अति व्यस्तता के कारण संपर्क नहीं हो सका। हाँ मैडम, क्या बात है, क्या नाराजगी है, आप पूरी बात बताइए, क्यों नाराज हैं आप? मुझे नाराजगी बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो हमारे प्रशासन और पदाधिकारी के द्वारा इतना बड़ा इग्नोर किया गया है। एक कौन है वो पदाधिकारी जो इग्नोर कर रहे हैं? जो इग्नोर हमारे यहाँ के बड़े पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब हैं, जिन्होंने कि ये झंडा उत्तोलन का शेड्यूल बनाया और टाइम बनाया, जो नगर परिषद कार्यालय के अंदर ही, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर ही सारे कार्यालय आते हैं, चाहे वो अनुमंडल हो, एसडीओ साहब का आवास हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, सारे कार्यालय नगर परिषद का, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आते हैं, सबों का शेड्यूल झंडा फहराने का टाइम उन्होंने फिक्स किया और मीटिंग किया। उस मीटिंग में भी हमको बुलाने का काम नहीं किए, वो कोई सूचना नहीं दिए, और उसके बाद उन्होंने जो टाइम फिक्स किया उसमें नगर परिषद कार्यालय को उसमें उसका टाइम नहीं दिया।